अब मैं भक्तों आपको भगवान श्री दत्तात्रेय के बारे में एक गुण रहस्य प्रकट कर रहा हूँ कि पुराने जमाने में सती अनुसुईया नाम की सती थी, जिनका सत्य इतना बढ़ गया था कि उनके सामने सभी देवी देवता और सुर यक्ष सब उनके मतलब क्या है कि शक्ति से बहुत प्रभावित थे और उनके सत्य का बल तपोबल बहुत ही ज्यादा बढ़ गया, जिससे कि हमारी देव लोक की जो भी देवियां थी, अप्सराएं थी, उसमें लक्ष्मी सरस्वती पार्वती ने सोचा कि हमसे बड़ी क्या है कि सत्य होती कोई नहीं है, सती अनुसुईया कैसे हो गई। तो उसकी परीक्षा लेने के लिए उन्होंने ब्रह्मा विष्णु महेश को भेज दिया कि जाओ आप और सती अनुसुईया की परीक्षा लो। अब वहां पे क्या होता क्या है कि जैसे तीनों देव जाते हैं तो सती अनुसुईया क्या बोलते हैं कि हमें भोजन कराओ, ब्राह्मण के रूप में गए तो उन्होंने भोजन कराया, तो उसके बाद उन्होंने बोला कि हम ये भोजन नहीं करेंगे, हमें आपका दूध पीना है। अब सती अनुसुईया ने कहा, बड़े संकट पड़ गई, उन्होंने ठीक है, तुरंत उन्होंने अपने सत्य का स्मरण किया कि अगर मैं एकदम वास्तव में सत्य हूँ और मेरी क्या है सत्यवर्ता शक्ति इतनी प्रबल है तो ये तीनों बालक बन जाए। उसी क्षण उनकी माया से ये तीनों देव बालक बन गए और उन्होंने अपना दूध पान किया और उसके बाद क्या है कि वहां उन्होंने पल्ला में डालकर झुलाना शुरू किया। अब इधर क्या है कि तीनों देवियां लक्ष्मी सरस्वती पार्वती को ये नहीं समझ में आया कि हमारे देव कहाँ कुल हो गए, तो उन्होंने जाके वहां देखा तो सती अनुसुईया के दरबार में वो बालक बन के दूध पी रहे थे। तो तीनों देवियों ने क्या है कि शरणागत होकर उनसे प्रार्थना की कि हे सती अनुसुईया, हम मान गए कि आपका सत्य सबसे ज्यादा है और आप क्या है कि सत्य होती हैं, इसके लिए हमारे तीन देवों पर कृपा करके इन्हें आप पहले ऐसा कर दी। तो उन्होंने मतलब क्या है कि तत्काल उनको छोड़ा और कहा, तीनों देव प्रसन्न हुए तो बोले कि देवी आप क्या वरदान चाहती हैं। तो सती अनुसुईया ने यही कहा कि जिस प्रकार आपने मुझे मेरा दूध पान किया है माता, तो मैं चाहती हूँ कि आप मेरे यहाँ जन्म लेके और क्या है कि मेरा जीवन सफल बनाए। तो इस प्रकार तीनों देवों ने संयुक्त रूप में जन्म लिया, जिसका नाम दत्तात्रेय हुआ और वो दत्तात्रेय के नाम से विख्यात हुए। तो ब्रह्मा विष्णु महेश का जो संयुक्त रूप है वो दत्तात्रेय का।